वराह पुराण। वराह पुराण के बारे में आप कितना जानते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पुराण के बारे में बताने वाले हैं और क्यों इस पुराण का विशेष महत्व है और इस पुराण के सुनने और पठन पाठन करने से क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं, यह हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इस पुराण की पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वराह पुराण है एक वैष्णव पुराण। विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है वराह का। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था। इस अवतार की विस्तृत व्याख्या इस पुराण में की गई है। वराह पुराण में भगवान श्री हरि के वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें भगवान नारायण का पूजन विधान, शिव पार्वती की कथाएं, सेरो शुकर, क्षित्रवर्ती, आदित्य तीर्थ, चक्र तीर्थ, व्यवस्था तीर्थ, शाखोटक तीर्थ, रूप तीर्थ, सोम तीर्थ, योग तीर्थ आदि तीर्थों की महिमा, मोक्षदायिनी नदियों की उत्पत्ति और महात्म्य एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। इस पुराण में 217 अध्याय और लगभग 10,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वराह पुराण एक योजनाबद्ध रूप से लिखा गया पुराण है। पुराणों के सभी अनिवार्य लक्षण इसमें मिलते हैं। मुख्य रूप से इस पुराण में तीर्थ के सभी महात्म्य और पंडो पुजारियों को अधिक से अधिक दान दक्षिणा देने के पुण्य का प्रचार किया गया है। साथ ही साथ कुछ सनातन उपदेश भी दिए गए हैं जिन्हें ग्रहण करना प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए। वे अति उत्तम है। भगवान के 24 अवतारों में वराह अवतार प्रमुख अवतार है। उन्हीं के नाम पर इस पुराण का नाम वराह पुराण पड़ा है। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था। पूर्व काल में महाबली दानव हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ब्रह्मांड से चुरा कर रसातल में जाकर रख दिया था और स्वयं उसकी रखवाली करने लगा। उधर ब्रह्मांड से पृथ्वी के गायब हो जाने पर चारों ओर हाहाकार मच गया था। तब एक दिन ब्रह्मा जी को बड़े जोर की छींक आई और उनकी नाक से एक अजीब किस्म का जीव बाहर आया। उस जीव ने पल भर में विशाल रूप धारण कर लिया। चार भुजाओं वाले इस जीव का स्वरूप वराह के समान था। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल पुष्प विराजमान थे। उसकी घुरघुराहट युक्त ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। तब वह वराह हाथ में गदा लिए हुए अथाह जल में कूद पड़ा और वहां जा पहुंचा जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रखा था। वराह ने भयानक गर्जना की और पृथ्वी को अपने बाहर निकले हुए दांतों पर ऐसे उठा लिया जैसे मानो कमल का फूल हो। तभी हिरण्याक्ष जाग उठा और वह वराह भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा और फिर भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। कई वर्षों तक युद्ध के पश्चात वराह भगवान ने अपनी विशाल गदा से हिरण्याक्ष को मार गिराया। हिरण्याक्ष के मरते ही देवता, ऋषि, गंधर्व व सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वराह भगवान पर फूलों की पुष्प वर्षा की। भगवान वराह ने पृथ्वी को लाकर पुनः ब्रह्मांड में स्थापित किया। उस समय पृथ्वी ने भगवान वराह की स्तुति की और लोगों के कल्याणार्थ बहुत से प्रश्न पूछे। तब भगवान वराह ने धर्मोपदेश और कथाएं सुनाई। वही यह वराह पुराण है। इस पवित्र पुराण की कथा सुनने से जीवन में सांसारिक दुख नहीं लगते तथा मनुष्य भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। आइए अब जानते हैं वराह अवतार के कुछ नियमों के बारे में। वराह पुराण शुद्ध वैष्णव पुराण है। व्रत उपवास करते हुए वराह पुराण की कथा सुननी चाहिए तथा नारायण मंत्र का जाप करते हुए तथा श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और भूखों को भोजन एवं दक्षिणा देनी चाहिए। इस पूजा के समय दान दक्षिणा एवं ब्राह्मण पूजा का बड़ा महत्व होता है क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण जिमाए जाते हैं। जितनी श्रद्धा एवं भक्ति से हम ब्राह्मणों को दान करते हैं वह सीधे भगवान को प्राप्त होता है। वराह पुराण सुनने से क्या फल मिलता है? इस पावन पुराण में सदाचार एवं दुराचार के फल स्वरूप मिलने वाले स्वर्ग व नरक का वर्णन है। पापों के प्रायश्चित करने की विधि, सप्त द्वीपों का वर्णन, पशुपालन, व्रत उपवास, पिंडदान आदि के विषय में तथा भगवान के दशावतारों का वर्णन भी किया गया है जिसे श्रवण करने से मनुष्य जीवन में लगने वाले 3 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यह पुराण घर में शांति प्रदान करता है, धन धान्य में वृद्धि करता है, बल बुद्धि को बढ़ाता है तथा मनोवांछित फल भी प्रदान करता है।
इस पुराण में दशावतार की कथा पारंपरिक रूप में न देकर विविध मासों की द्वादशी व्रत के महात्म्य के रूप में दी गई है तथा मार्गशीर्ष मास की द्वादशी में मत्स्य अवतार, पौष मास में कुर्म अवतार, माघ मास में वराह अवतार, फागुन मास में नरसिंह अवतार, चैत्र मास में वामन अवतार, वैशाख मास में परशुराम अवतार, ज्येष्ठ मास में राम अवतार, आषाढ़ मास में कृष्ण अवतार, श्रवण मास में बुद्ध अवतार और भाद्रपद मास में कल्कि अवतार के स्मरण का महात्म्य बताया गया है। इसका नचिकेता उपाख्यान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पाप समूह और पाप नाश के उपायों का सुंदर वर्णन किया गया है। कुछ प्रमुख पाप कर्मों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि हिंसा, चुगली, चोरी, गाना, जीव हत्या, असत्य कथन, अपशब्द बोलना, दूसरों को अपमानित करना, व्यंग्य करना, झूठी अफवाहें फैलाना, स्त्रियों को बहकाना, मिलावट करना आदि भी पाप हैं। नारद और यम के संवाद में मनुष्य पाप कर्म से किस प्रकार बचे, इसका उत्तर देते हुए यम कहते हैं कि यह संसार मनुष्य की कर्म भूमि है। जो भी इसमें जन्म लेता है उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। कर्म करने वाला स्वयं ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु, मित्र और सगा होता है। आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी होता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है और जो समस्त प्राणियों में समता का भाव रखता है, वह सत्यज्ञानी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति योग तथा प्रणाम द्वारा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सभी तरह से पापों से छुटकारा पा जाता है। जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जो लोभ और क्रोध से रहित है, जो सदा न्याय नीति पर चलता है तथा शुभ कर्म करते हुए अशुभ कर्मों से दूर रहता है, वह किसी पाप का भागीदार नहीं होता। वराह पुराण में अन्य उपाख्यानों में चील, सियार, खंजन आदि पशु पक्षियों द्वारा ये उपदेश दिया गया है कि सच्चा सुख उसी को प्राप्त होता है जो स्वार्थ त्याग कर परोपकार और परमार्थ का जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो पर निंदा नहीं करता, सदैव सत्य बोलता है तथा परस्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालता। धर्म कोई बंदी बधाई वस्तु नहीं है। सभी विद्वानों ने धर्म की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। देश काल के अनुसार धर्म के रूप बदलते रहते हैं। चारों वर्णों के लिए सत्य धर्म का पालन और शुद्ध आचरण करने पर बल दिया गया है। ब्राह्मण को अहंकार रहित, स्वार्थ रहित, जितेंद्रिय और अनासक्त योगी की भांति होना चाहिए। क्षत्रिय को अहंकार रहित, आदरणीय तथा छटकपट से दूर रहना चाहिए। वैश्य को धर्मपरायण, दानी, लाभ हानि की चिंता करने वाला और कर्तव्य परायण होना चाहिए। शूद्र को अपने सभी कार्य निष्काम भाव और सेवा भाव से भगवान को अर्पण करते हुए करने चाहिए। उसे अतिथि सत्कार करने वाला शुद्ध आत्मा, विनयशील, श्रद्धावान और अहंकार विहीन होना चाहिए। ऐसा शूद्र हजारों ऋषियों से बढ़कर होता है। उसकी सेवा के लिए सभी को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो से आपने क्या शिक्षा ली, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।